ये देखो गाइस नजारा, सब पारा मेडिकल स्टूडेंट सब डॉक्टर ही बनेंगे, पेशेंट कोई नहीं बनेगा, देख रहे हो ना। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मोतिहारी देखिए दोस्तों, ये बापूधाम मोतिहारी स्टेशन है जो कि इधर से एग्जिट गेट है। जैसे यहाँ से निकलिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे आइएगा तो देखिए यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है। तो सबसे पहले जय श्री राम, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ से आशीर्वाद लेंगे। और ठीक इधर मुड़िएगा तो यहाँ देखिए बापूधाम मोतिहारी स्टेशन, यहाँ पे कुछ पुराने ज़माने का जो है ना ट्रेन है ये दर्शाया गया है यहाँ पे। जो कि देख सकते हैं यहाँ पे, अब पता नहीं ये कौन है, हमें तो नहीं मालूम, 1537 ईस्वी का है लग रहा है, ये बॉगी नंबर 3 है, ये कुछ इस तरह है। और यही स्टेशन है जो कि बापूधाम मोतिहारी स्टेशन है ये। तो चलिए पहले बाहर चलते हैं, वहाँ पे चाय का चुस्की वगैरह लेते हैं। आप ब्लॉग अभी कंटिन्यू रहेगा यहाँ से एग्ज़ाम हॉल तक। तो चलिए यहाँ से एग्जिट गेट है, यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं और चाय का चुस्की लेते हैं। चाय का चुस्की ले रहे हैं, देखिए ये चाय है। और यही ठीक सामने बापूधाम मोतिहारी स्टेशन है जो कि देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ चाय का चुस्की लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। इधर ही से कुछ नज़दीक पे है, ये रहा बंदा। टाइम है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है। तो आइए यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पब्लिक है जो कि पे एंड यूज शौचालय चालू है और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगल है। चलिए बात करते हैं और सबसे पहले जो है क्लियर करते हैं। समझ रहे हो ना। अभी स्टेशन पे हैं, चाय भी पी ली है फाइनल, आइए बात करते हैं इनसे। इनका सिस्टम कुछ अलग ही है, छोटी है, पूरा खोल दिया है, देख सकते हैं। हमारा लोग के कॉलेज मिल गए लेवा, आइए ऑटो मिलल बा, एक ऑटो अब इसमें बैठी और यहाँ से हम लोग निकली अपनी कॉलेज की ओर, चंपारण में बारे, क्योंकि ये पूर्वी चंपारण बा। अब ये कहीं बा, चलिए आप आगू आगू बताइए। हम लोग के बाद ऑटो मिल गए लेवा, अब यहाँ से खुल गई ले, अब हम लोग सेंटर। आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बनल रही ताकि हर एक अपडेट आप लोग के मिली। मॉर्निंग का टाइम बढ़े इसलिए अभी सब कुछ बंद हुआ। हम लोग सेंटर पे आ गए लेबा, आई सेंटर आप लोग के हम दिखाई, टोटो से आई बा यहाँ पे। हमारा पीछे देख रहे बा वही सेंटर बा, इसी में हम लोग जो है सेंटर पड़ल बा। चलिए आज ये कॉलेज बा जो कि लक्ष्मी नारायण दुबे महिला मोतिहारी, इसी के अंदर हम लोग का जो है सेंटर पड़ल बा। हम लोग अंदर जाइए और जो है एग्ज़ाम वगैरह दी, और यही एंट्री गेट बा। हमरा के भोजपुरी तो बोले के नहीं आवी, लेकिन फिर भी कोशिश करी ला ताकि इन लोग के शक न हुई कि ये लोग दूर का बा। इनका के देखी आई पेट पूजार हो जाइए, अब अभी टाइम बा। और यही है मेंट्री, क्या कहते हैं, मेन रोड बा जो कि हम लोग ही पकड़ के यहाँ आइल बारे। और पता नहीं कहाँ के जाइए या ना जाइए, हम लोग यहाँ पे नया बा, हम लोग बिहारी बुद्धि लगे बारे ताकि इन लोगों को पता ना चले कि हम लोग दूर से आए बा, नहीं तो हम लोग के ठोक लिए, ज़्यादा पैसा वाले ली। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आया। इसका एगो और गेट बारे वो भी हम आपको दिखाई, एक और ई गेट बा जो कि मेन एंट्री गेट बारे आपका लोगो दिखाई। यहाँ पे महात्मा गांधी जी जो है किसी का आंदोलन कर ले बा, उसी सब सारा चीज़ देख रहे हैं, महात्मा गांधी जी का फोटो भी लगे ले बा। और यहाँ स्टूडेंट लोग भी बाड़े, यहाँ देखी ये कॉलेज बारे देखे के मिली, यहाँ दूरी का कारण वहाँ लोगों बारे लोगों दिखाई।
गोरी वहाँ पे छोला भटूरा जो कि खाइल जाए ताकि भूख जोर से लागल बाड़े ताकि पेट पूजा हो जाए तो सही रही जा। तो दोस्तों हम लोग जब छोला भटूरा खाई यहाँ पे बन रहा बा जो कि लोग बना रहा बा हम लोग उन लोग को ऑर्डर दे दिले बानी हम लोग यहाँ बैठले बा हमरा के भोजपुरी नहीं खे बोले अभी लेकिन फिर भी हम आप लोग के लिए कोशिश कर रहा बा। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बगले में सेंटर बार है ठीक वहाँ यहाँ छोला भटूरा बन रहा बा आप लोग बनल रही आप लोग छोला भटूरा हम लोग कैसे खाई भोजपुरी स्टाइल में सब चीज़ दिखाई आप लोगन के। तो फाइनली डेढ़ घंटा के बाद हमरा लोग के जो है छोला भटूरा आ गई बारे देखा तानी अब खाई बहुते मशक्कत के बाद हम लोग के मिलल बा बिल्कुल बहुते वेट करा बारे पेट पूजा के जानते हुई जब तक पेट पूजा ना हुई तब तक तो पेपर ना हो पाई ताकि हाँ इंजन में कुछ चाहिए। अब आ रहा बारे हमारे पास तो आ गई ले छोला भटूरा। अब चलिए हम लोग शुरू करत आनी अगर आप लोग भी शुरू करे के बाद आई खाली मोतिहारी का हम लोग खा के फिनिश कर दिले बानी तोरा लोग के बोली खा लूँ तो खेलूँ ना फिनिश हो गए बा। अब हम लोग जाए सेंटर पे अभी टाइम बारे 9 बजे एंट्री बा मस्त बगीचा मिल गई बारे और यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे जूता खोल लिया बैठा और यहाँ पे कोई बैंक वगैरह बा जो कि हमारा पीछे बा छोटा सा गार्डन बा इसमें सब लोग आके बैठे अभी एंट्री के बाकी बा तब तक यहाँ टाइम जो है कुछ देर हम लोग पास करी बैठ के आप लोग बनल रहे छोटा सा गार्डन बा जो कि देखा कुछ इस तरह बा बिल्डिंग वगैरह बा यहाँ एक कैप बा अगर आप लोग के भूख लगी तो आके खा ली। यहाँ एक हमें ना पत्थर दिखा है इसमें जो है मूर्ति बनाया हुआ है बट किस चीज़ का मूर्ति है फोटो बना दिया हाँ इसमें पत्थर था इसमें जो है ना मूर्ति में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ देखिए जीवन चक्र है ये कुछ इस तरह इतना बड़ा है ये और वहाँ चरखा है वहाँ भी ले जाएंगे पहले इसको दिखाते हैं आइए देख रहे हैं सब पत्थर है इसको डिज़ाइन किया गया है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय सब पत्थर है सब कुछ डिज़ाइन किया गया है देख सकते हैं ना कुछ इतना बड़ा पत्थर वगैरह सब है जो कुछ इस तरह है। आइए वहाँ दिखाते हैं आपको वहाँ कुछ सेल्फी ले रहे हैं वहाँ चरखा है जो कि महात्मा गांधी जी यूज़ करते थे ना वही चरखा है ये यहाँ सेल्फी वगैरह चल रहा है और देखिए कुछ ये इतना बड़ा चरखा है ये और यहाँ महात्मा गांधी का जो है प्रतिमा लगा हुआ है और कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी थी शायद वो है साइड में ये देख सकते हैं चरखा बट चरखा और चरखा का बेल्ट जो है ना उतर चुका है। छोटा सा पार्क है जो कि इसमें महात्मा गांधी का पूरा प्रतिमा वगैरह लगा हुआ जो कि देख सकते हैं मेरे पीछे चरखा वगैरह है और छोटा सा यहाँ बैठने के लिए बंदोबस्त किया गया है उधर भी और वहाँ देख रहे हैं बहुत बड़ा झुकी है क्या कहते हैं पत्थर वगैरह है उसे मूर्ति में तब्दील किया गया है। ये देखो गाइस नज़ारा सब पारा मेडिकल सब डॉक्टर ही बनेंगे पेशेंट कोई नहीं बनेगा देख रहे हो ना ट्रेन आ रही है तो लड़का लोग हल्ला कर रहे हैं टिकारी पड़ रहे हैं। ये देखो यार कितना भीड़ है सारे लोग जाने के लिए रेडी हो चुके हैं मात्र एक ही ट्रेन है सब ट्रेन कैंसिल हो गया सारी ट्रेन कैंसिल हो चुका है और ये मोतिहारी बापू धाम है देख रहे हो ना भीड़ देखो गाइस ट्रेन के आने की खुशी में कहां आ रहा है यार बट ट्रेन आ नहीं रहा लग रहा है आज एल लगने वाला है सबको Para
ऐसा ना किया कि प्याजा। भीड़ देखो गाइस कितना भीड़ है, मात्र एक ही ट्रेन बचा है। इस ट्रेन में सारे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, ट्रेन में सारे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे डॉट ही हो रहा है, लग नहीं रहा है। भीड़ देखो कितना हो रहा है, लोग अफरा तफरी मच रहा है घुसने के लिए, देख रहे हैं। बस यही एक ट्रेन बचा है जो कि हम लोग मुजफ्फरपुर जाएंगे इस ट्रेन से। इधर देखिए, इधर देखिए, बाप रे बाप, देख रहे हैं पूरा भर चुका है, पूरा भर चुका है, पूरा भर चुका है। सांस लेने में दिक्कत हो रहा है सारे लोगों को। जीवन का असली लाइफ ट्रेवल किया जाता है। बहुत मकसद के बाद दोस्तों बैठ गए हैं ट्रेन में, जगह हुआ था बिल्कुल बैठे, पूरा प्रॉपर फूल हो गया पूरा, कहीं से भी सांस लेने के लिए जगह नहीं है, देख सकते हैं। ये है ट्रेवल, जिंदगी का असली मजा तो ये है। पीछे देखिए कितना भरा हुआ है, कीड़ा मकोड़ा की तरह लोग ट्रेवल्स करते हैं। सारे ट्रेन कैंसिल हो चुकी थी ना, इस वजह से ऐसा। रात के 2 बजे पूरा सुनसान इलाका है और हम लोग घूम रहे हैं। ये मेन रूट है, मेन रूट का आपको हम हालत दिखाते। देखिए गाइस ये एक ज्वेलर्स का दुकान है जो कि नहीं है। इधर देखिए वो गाड़ी जा रहा है उधर, देख रहे हैं ना, पूरा सुनसान इलाका है। बस सुनसान इलाके में हम 2 जन चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। रात की 12 बज रहा है गाइस, रात के 12 में 2 बज रहा है, सॉरी 2 बज रहा है। एक मोटरसाइकिल आ रहा है, ये देख लीजिए गाइस 1 बज रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा, देखिए 1 बज रहा है। आइए देख रहे हैं ना ये इंसान के पीछे 2 पंख लगा हुआ। तो ब्लॉग्स है ना गाइस, अब यहाँ पे हम आप जो एंड करते हैं, और अभी एक मोटरसाइकिल वाले मिले हैं, सब्जी लेके जा रहे हैं, शायद इनको घर में खाना वाना बनेगा। चलिए वहाँ वेट करते हैं, मेरा दोस्त आ रहा है। अब ब्लॉग को यही द एंड करते हैं, अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर ठोक दीजिएगा। रात के मौसम है ना, इधर देखिए ये रेलवे स्टेशन, इधर देखिए दरभंगा रेलवे ट्रैक। चलिए हम लोग पहुँच गए हैं।